आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं संयुक्ता बैनर्जी। आरक्षण के खिलाफ आज कुछ संगठनों द्वारा भारत बंद की अपील के बीच राजधानी भोपाल समेत पूरे प्रदेश में पुलिस पूरी तरह से सतर्क है। अभी तक कहीं से किसी अप्रिय घटना की कोई सूचना नहीं है। गृहमंत्री भूपेंद्र सिंह ने कहा है कि पूरे प्रदेश में शांति कायम है। स्थितियों पर नजर रखने के लिए अपने निवास पर बनाए गए नियंत्रण कक्ष में श्री सिंह ने संवाददाताओं से चर्चा में कहा कि कई दिन से पुलिस प्रशासन आज के संभावित बंद को लेकर तैयारियों में जुटा था। इसी के परिणाम स्वरूप आज प्रदेश में शांति बनी हुई है। हमारे मुरैना संवाददाता ने जानकारी दी है कि शहर के 3 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा हुआ है। वहीं ग्वालियर कलेक्टर राहुल जैन ने हमारे संवाददाता को बताया कि ग्वालियर और डबरा में स्थिति पूरी तरह से सामान्य है। प्रशासन ने सुरक्षा के जबरदस्त इंतजाम किए हैं। मेडिकल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानदारों ने स्वेच्छा से बंद रखा है। धारा 144 जारी है। अलीराजपुर में भी बंद का असर देखा जा रहा है। जगह जगह पुलिस तैनात है। उधर उमरिया, रायसेन, रीवा, सीहोर में भारत बंद पूरी तरह से बेअसर रहा। यहां रोज की तरह दुकानें खुली हुई हैं। प्रशासन ने एहतियातन धारा 144 लगा रखी है। दमोह, सतना, उज्जैन, देवास, बड़वानी, डिंडौरी, सागर समेत प्रदेश के सभी जिलों में भारी पुलिस बल तैनात है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपी रावत ने आज भोपाल में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय में निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों की बैठक ली। साथ ही भाजपा, कांग्रेस, बसपा, सीपीआई, सीपीआईएम और एनसीपी के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने मतदाता सूची को त्रुटि रहित करवाने का निवेदन किया। श्री रावत ने निर्वाचक अधिकारियों को इससे संबंधित निर्देश भी दिए। राज्य में रबी सीजन वर्ष 2018-19 में चना, मसूर और सरसों की फसल का भी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी का कार्य आज से शुरू हो गया है। प्रदेश की 425 कृषि उपज मंडियों और उपार्जन केंद्रों पर खरीदी का कार्य 31 मई तक चलेगा। प्रदेश में निम्न औसत उत्पादकता चना के लिए 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, मसूर के लिए 11 क्विंटल प्रति हेक्टेयर और सरसों के लिए 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इंदौर में संयुक्त राष्ट्र संघ की 8वें अंतर्राष्ट्रीय रीजनल 3 और 3R फोरम इन एशिया एंड द पैसिफिक सम्मेलन का शुभारंभ आज लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन और केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने की। इस अवसर पर जापान के पर्यावरण मंत्री राधिका इतो और आवास तथा शहरी मामलों के मंत्रालय के सचिव दुर्गा शंकर मिश्र भी मौजूद थे। 3 दिनों तक चलने वाले इस सम्मेलन में भारत सहित 40 देशों के सरकारी और गैर सरकारी संगठनों के 700 से ज्यादा प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। इस दौरान स्वच्छता, सतत विकास, पर्यावरण संरक्षण से जुड़े पहलुओं पर विचार मंथन होगा। शिक्षा विभाग की रुक जाना नहीं योजना में दिसंबर में आयोजित 5 परीक्षाओं में शामिल 3,74,000 विद्यार्थियों में से 1,16,000 विद्यार्थी उत्तीर्ण होकर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। ये योजना माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा में नाकाम रहे विद्यार्थियों को आगे की पढ़ाई जारी रखने के लिए लागू की गई है। योजना के तहत पहली बार डिजिटल मूल्यांकन कराया गया। मूल्यांकन की इस प्रक्रिया से परीक्षा प्रणाली में पारदर्शिता आई है और समय सीमा में परिणाम घोषित किए गए। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत प्रदेश में संचालित निजी स्कूलों की नवीन मान्यता और मान्यता नवीनीकरण के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख 16 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। पूर्व में ये तिथि 15 फरवरी तय की गई थी। निजी स्कूलों द्वारा अंतिम तिथि बढ़ाने के आग्रह को देखते हुए राज्य शिक्षा केंद्र ने यह फैसला लिया है। छिंदवाड़ा जिले में आज सुबह हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार की 3 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। कपरवाड़ी बायपास पर एक ट्रक के मोटरसाइकिल को टक्कर मारने से यह हादसा हुआ। एक ही मोटरसाइकिल पर 4 लोग सवार थे और घटना में ये सभी मारे गए। हादसे के बाद ट्रक चालक फरार हो गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर अलीराजपुर में 22 अप्रैल को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। बुरहानपुर में नगर निगम ने 60 साल पुराने 4 मंजिला मकानों को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। और आगरमालवा जिले के गोंदलमहू गांव में आकाशीय बिजली गिरने से खेत में काम कर रहे 2 लोगों की मौत हो गई है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
हैं।